नियमितीकरण को लेकर संविदा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपा। थाली में आधी रोटी कार्यक्रम किया आयोजित। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शिवपुरी के जिला अध्यक्ष अवनीश भार्गव के नेतृत्व में आज विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरवर के बीएमओ आरआर माथुर को सौंपा। संगठन के ज्ञापन में निम्न मांगे रखी गयी, जैसे कोरोना संकट काल में प्रथम पंक्ति में रहकर हम आम जनमानस को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा, निदान एवं उपचार में सेवा दे रहे हैं। कोरोना वायरस स्वास्थ्य मिशन, एड्स आयुष, आरएनटीसीपी कार्य, समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप नियमित किया जाए तथा दो वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 5 जून 2018 को बनाई गई नीति अनुरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आयुष आरएनटीसीपी कार्यरत समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित पद के समकक्ष 90% वेतन निर्धारण आदेश अविलंब प्रसारित किया जाए एवं समस्त नीतिगत लाभ दिए जाए एवं निष्कासित संविदा कर्मचारियों की सेवा बहाली की जाए और आउटसोर्स किए गए कर्मचारी सपोर्ट स्टाफ की मूलत विभाग में पद स्थापना की जाए। शिवपुरी से रानू राजपूत की रिपोर्ट। आप थाली में आधी रोटी का प्रोग्राम क्यों कर रहे हो? मध्य प्रदेश शासन ने जो 5 जून 2018 की पॉलिसी बनाई रेगुलर का 90% हमको देने के लिए बोला, मगर आज दिनांक तक हमको नियमित का 90% नहीं दिया। हम यशस्वी मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित का 90% या नियमित किया जाए, वहीं रेगुलर कर्मचारी को थाली में पूरी रोटी या थाली को अच्छी सजा के दी जा रही है और हमको भाई थाली में आधी रोटी दी जा रही है। अब आप, हम पूछना चाहते हैं, इस महंगाई में थाली में आधी रोटी से किसी का पेट भरता है क्या? नहीं भरता। भाई संविदा कर्मचारी को मात्र 5,000-10,000 रुपये से आप काम करा रहे हैं और हम भाई कोरोना योद्धा बन के काम कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि 5 जून 2018 की नियमित की 90% पॉलिसी जो आपने बनाई वो हमको दी जाए या नियमित किया जाए। बीए बीएससी बीकॉम हेतु प्रवेश प्रारंभ अल इब्राहिम महाविद्यालय अमरपुर रक्सा झांसी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9453907214।